Ramakrishna Hari. Ramakrishna Hari. कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, मेरे अन्य सहयोगी नारायण राणे जी, राव साहब दानवे जी, रामदास आठवले जी, कपिल पाटिल जी, डॉक्टर भागवत कराड जी, डॉक्टर भारती पवार जी, जनरल वीके सिंह जी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मेरे मित्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन रामराजे नाइक जी, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, संसद में मेरे सहयोगी सांसदगण, महाराष्ट्र के विधायकगण, सभी अन्य जनप्रतिनिधि, यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण और श्रद्धालु साथियों, दो दिन पहले ईश्वर कृपा से मुझे केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की पुनर्निर्मित समाधि की सेवा का अवसर मिला और आज भगवान विट्ठल ने अपने नित्य निवास स्थान पंढरपुर में मुझे आप सबके बीच जोड़ दिया। इससे ज्यादा आनंद का, ईश्वरीय कृपा के साक्षात्कार का सौभाग्य और क्या हो सकता है। आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्र है समागत्य तिष्ठत्तम आनंद कंदम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। अर्थात शंकराचार्य जी ने कहा है, पंढरपुर की इस महायोग भूमि में विट्ठल भगवान साक्षात आनंद स्वरूप है, इसलिए पंढरपुर तो आनंद का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है और आज तो इसमें सेवा का आनंद भी साथ में जुड़ रहा है। मला अतिशय आनंद होतो आहे कि संत ज्ञानोबा मावली आणि संत तुकोबारांच्या पालखी मार्गाचे आज उद्घाटन होता आहे। वारकऱ्यांना अधिक सुविधा तर मिळणारच आहेत, पण आपण जसे म्हणतो की रस्ते ही विकासाचे द्वार असते, तसे पंढरीकडे जाणारे हे मार्ग भागवत धर्माची पताका आणखी उंच फडविणारे महामार्ग ठरतील। पवित्र मार्गाकडे नेणारे ते महाद्वार ठरेल। साथियों, आज यहां श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग, इसका शिलान्यास हुआ है। श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग का निर्माण अभी आपने वीडियो में भी देखा है, नितिन जी के भाषण में भी सुना है, पांच चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग का निर्माण तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर
11,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा। इसके सबसे खास बात यह है कि इन हाईवे के दोनों तरफ पालखी यात्रा के लिए पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वारकरियों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाएंगे। इसके अलावा आज पंढरपुर को जोड़ने वाले करीब 225 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। इनके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सतारा, कोल्हापुर, सांगली, बीजापुर, मराठवाड़ का एक क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र, इन सभी स्थानों से पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं को ये नेशनल हाईवे बहुत मदद करेंगे। एक तरह से ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे। विशेष रूप से इसके जरिए दक्षिण भारत के लिए कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इससे अब और ज्यादा श्रद्धालु यहां आसानी से आ सकेंगे और क्षेत्र के विकास से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मैं इन सभी पुण्य कार्यों उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति का अभिनंदन करता हूं। ये ऐसे प्रयास हैं जो हमें एक आत्मिक संतोष प्रदान करते हैं, हमें जीवन की सार्थकता का आभास कराते हैं। मैं भगवान विट्ठल के सभी भक्तों को, इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को पंढरपुर क्षेत्र के इस विकास अभियान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मी सर्व वारकरांच्या नमन करतो, त्यांना कोटी कोटी अभिवादन करतो। मैं इस कृपा के लिए भगवान विट्ठल देव जी के चरणों में अपना नमन करता हूं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं सभी संतों के चरणों में भी अपना नमन करता हूं। साथियों, अतीत में हमारे भारत पर कितने ही हमले हुए हैं, सैकड़ों साल की गुलामी में ये देश जकड़ा गया, प्राकृतिक आपदाएं आई, चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन भगवान विट्ठल देव में हमारी आस्था, हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही। आज भी ये यात्रा दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जन यात्राओं के रूप में, पीपल मूवमेंट के रूप में देखी जाती है। आषाढ़ एकादशी पर पंढरपुर यात्रा का विहंगम दृश्य कौन भूल सकता है? हजारों लाखों श्रद्धालु बस खींचे चले आते हैं। हर तरफ रामकृष्ण हरि, पुंडलिक वरदे हारी विट्ठल और ज्ञानवा तुकाराम, इसका जयघोष होता है। पूरे 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन, एक असाधारण संयम देखने को मिलता है। ये यात्राएं अलग अलग पालखी मार्गों से चलती हैं, लेकिन सबका गंतव्य एक ही होता है। ये भारत की उस शाश्वत शिक्षा का प्रतीक है जो हमारी आस्था को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है।
जो हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है, और इसलिए हमारे यहां तो बड़े विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। साथियों, संत तुकाराम महाराज जी, उन्होंने हमें मंत्र दिया है, और तुकाराम जी महाराज ने कहा है, विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल, ऐका जी तुम्ही भक्त भागवत, करालते हित सत्य करा, कोणा ही जीवाचा न घड़ो मत्सर, वर्म सरमेश्वर पूजनाचे। यानी विश्व में सब कुछ विष्णुमय है, इसलिए जीव जीव में भेद करना, भेदभाव रखना ही अमंगल है। आपस में ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, हम सभी को समान माने, यही सच्चा धर्म है। इसलिए डिंडी में कोई जात पात नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, हर वार करी समान है, हर वार करी एक दूसरे का गुरु भाव है, गुरु बहिण है, सब एक विट्ठल की संतान है, इसलिए सबकी एक जाति है, एक गोत्र है, विट्ठल गोत्र। भगवान विट्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है, और जब मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहता हूं, तो उसके पीछे भी तो इसी महान परंपरा की प्रेरणा है, यही भावना है, यही भावना हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है। सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। साथियों, पंढरपुर की तो आभा, पंढरपुर की अनुभूति और पंढरपुर की अभिव्यक्ति, सब कुछ अलौकिक है। आपण म्हणतो ना, माझे महरे पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी, वाकई पंढरपुर मां के घर की तरह है। लेकिन मेरे लिए पंढरपुर से दो और भी बहुत खास रिश्ते हैं, और मैं आज संत जनों के सामने कहना चाहता हूं, मेरा विशेष रिश्ता है। मेरा पहला रिश्ता है गुजरात का, द्वारिका का। भगवान द्वारकाधीश ही यहां आकर विट्ठल स्वरूप में विराजमान हुए हैं। और मेरा दूसरा रिश्ता है काशी का, मैं काशी से हूं और ये पंढरपुर हमारी दक्षिण काशी है। इसलिए पंढरपुर की सेवा मेरे लिए साक्षात श्री नारायण हरि की सेवा ही है। ये वो भूमि है जहां भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। ये वो भूमि है जिनके बारे में संत नामदेव जी महाराज ने कहा है कि पंढरपुर तब से है जब संसार की भी सृष्टि नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पंढरपुर भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से हमारे मनों में भी बनती है, बसती है। ये वो भूमि है जिसने संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम
और संत एकनाथ जैसे कितने ही संतों को युग संत बनाया है। इस भूमि ने भारत को एक नई ऊर्जा दी, भारत को फिर से चैतन्य दिया। और भारत भूमि की यह विशेषता है कि समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी महान विभूतियां अवतरित होती रही, देश को दिशा दिखाती रही। आप देखिए, दक्षिण में माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, पश्चिम में नरसिंह मेहता, मीराबाई, धीरो भगत, भोजा भगत, प्रीतम, तो उत्तर में रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास, पूर्व में चैतन्य महाप्रभु और शंकर देव जैसे अनेक संतों के विचारों ने देश को समृद्ध किया। अलग अलग स्थान, अलग अलग कालखंड, लेकिन एक ही उद्देश्य, सबने भारतीय जनमानस में एक नई चेतना फूंकी, पूरे भारत को भक्ति की शक्ति का आभास कराया। इसी भाव में हम ये भी देखते हैं कि मथुरा के कृष्ण गुजरात में द्वारकाधीश बनते हैं, उड़ुपी में बालकृष्ण बनते हैं और पंढरपुर में आकर विठल रूप में विराजित हो जाते हैं। यही भगवान विठल दक्षिण भारत में कनकदास और पुरंदर जैसे जैसे संत कवियों के जरिए जन जन से जुड़ जाते हैं। और कवि लीलाशुक के काव्य के में से केरल में भी प्रकट हो जाते हैं। यही तो भक्ति ही है जो जिसकी शक्ति जोड़ने वाली शक्ति है। और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के भव्य दर्शन है। साथियों, वारकरी आंदोलन की और एक विशेषता रही, और वह यह है, पुरुषों से कदम मिलाकर वारी में चलने वाली हमारी बहनें देश की मातृशक्ति, देश की स्त्री शक्ति। पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक है। वारकरी आंदोलन का ध्येय वाक्य है भेदा भेद अमंगल। ये सामाजिक समरसता का उद्घोष है। और इस समरसता में स्त्री और पुरुष समानता भी अंतर्निहित है। बहुत सारे वारकरी स्त्री और पुरुष भी एक दूसरे को माउली नाम से पुकारते हैं। भगवान विठ्ठल और संत ज्ञानेश्वर का रूप एक दूसरे में देखते हैं। आप भी जानते हैं कि माउली का अर्थ माँ है, यानी ये मातृशक्ति का भी गौरवगान है। साथियों, महाराष्ट्र की भूमि में महात्मा फुले, वीर सावरकर जैसे अनेक पुरोधा अपने कार्य को सफलता के जिस मुकाम तक पहुंचा पाए, उस यात्रा में वारकरी आंदोलन ने जो जमीन बनाई थी, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वारकरी आंदोलन में कौन नहीं थे? संत सावता महाराज, संत चोखा जी, संत नामदेव महाराज, संत गोरोवा, सेंजी महाराज, संत नरहरि महाराज, संत कान्हो पात्रा, समाज का हर समुदाय वारकरी आंदोलन का हिस्सा था। साथियों, पंढरपुर ने मानवता को न केवल भक्ति और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया है, बल्कि
भक्ति की शक्ति से मानवता का परिचय भी कराया है। यहां अक्सर लोग भगवान से कुछ मांगने नहीं आते, यहां विट्ठल भगवान का दर्शन, उनकी निष्काम भक्ति ही जीवन का ध्येय है। काय काय विठू माऊलीच्या दर्शनाने डोळ्याचे पारणे फिरते की नाही? तभी तो भगवान यहां खुद भक्तों के आदेश पर युगों से कमर पर हार रख करके खड़े हैं। भक्त पुंडिक ने अपने माता पिता में ईश्वर को देखा था, नर सेवा नारायण सेवा माना था। आज तक वही आदर्श हमारा समाज जी रहा है। सेवा दिंडी के जरिए जीव मात्र की सेवा को साधना मानकर चला रहा है। हर वारकरी जिस निष्काम भाव से भक्ति करता है, उसी भाव से निष्काम सेवा भी करता है। अमृत कलश दान, अन्नदान, ये गरीबों की सेवा के प्रकल्प तो यहां चलते ही रहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सभी की सेवा समाज की शक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। हमारे यहां आस्था और भक्ति किस तरह राष्ट्र सेवा और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी है। सेवा सेवा दिंडी इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण है। गांव का उत्थान, गांव की प्रगति, सेवा दिंडी इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। देश आज गांव के विकास के लिए जितने भी संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, हमारे वारकरी भाई बहन उसकी बहुत बड़ी ताकत है। देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो आज विठोबा के भक्त निर्मल वारी अभियान के साथ उसे गति दे रहे हैं। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, जल संरक्षण के लिए हमारे प्रयास हो, हमारी आध्यात्मिक चेतना हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को ऊर्जा दे रही है। और आज जब मैं अपने वारकरी भाई बहनों से बात कर रहा हूं तो आपसे आशीर्वाद स्वरूप तीन चीजें मांगना चाहता हूं। मांगू क्या? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मांगू क्या? आप देंगे? देखिए जिस प्रकार से आप सबने हाथ उठा करके एक प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिए हैं, आपका हमेशा मुझ पर इतना स्नेह रहा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मुझे पहला आशीर्वाद वो चाहिए कि ये श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग का निर्माण होगा, जिस संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग का निर्माण होगा उसके किनारे जो विशेष पैदल मार्ग बन रहा है, उनके दोनों तरफ हर कुछ मीटर पर छायादार वृक्ष जरूर लगाए जाएं। ये करेंगे क्या आप काम? मेरा तो सबका प्रयास है, मंत्र ही है। जब ये मार्ग बनकर तैयार होंगे तब तक ये पेड़ भी इतने बड़े हो जाएंगे कि पूरा पैदल मार्ग छायादार हो जाएगा। मेरा इन पालखी मार्गों के किनारे पड़ने वाले अनेक गांवों से इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह है। हर गांव अपने क्षेत्र से होकर गुजरने वाले पालखी मार्ग की जिम्मेदारी संभाले, वहां पेड़ लगाए तो बहुत जल्द ये काम किया जा सकता है। साथियों, मुझे आपका दूसरा आशीर्वाद चाहिए। और दूसरा आशीर्वाद मुझे ये चाहिए, इस पैदल मार्ग पर हर कुछ दूरी पर पीने के पानी की, और वो भी शुद्ध पीने का जल, इसकी भी व्यवस्था की जाए।
इन मार्गों पर अनेकों प्याव बनाए जाए, भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन श्रद्धालु जब पंढरपुर की तरफ बढ़ते हैं तो 21 दिन तक अपना सब कुछ भूल जाते हैं। पीने के प्याव ऐसे भक्तों के बहुत काम आएंगे। और तीसरा आशीर्वाद मुझे आज आपसे जरूर लेना है, और मुझे आप निराश कभी नहीं करोगे। तीसरा आशीर्वाद जो मुझे चाहिए वो पंढरपुर के लिए है। मैं भविष्य में पंढरपुर को भारत के सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थलों में देखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जब भी कोई देखे कि भाई सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थल कौन सा है, तो सबसे पहले नाम मेरे विठोबा का, मेरे विठ्ठल की भूमि का, मेरे पंढरपुर का होना चाहिए। ये चीज मैं आपसे चाहता हूं, और ये काम भी जन भागीदारी से ही होगा। जब स्थानीय लोग स्वच्छता के आंदोलन का नेतृत्व अपनी कमान में लेंगे, तभी हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। और मैं हमेशा जिस बात की वकालत करता हूं, सबका प्रयास कहता हूं, उसकी अभिव्यक्ति ऐसे ही होगी। साथियों, हम जब पंढरपुर जैसे अपने तीर्थों का विकास करते हैं तो उससे केवल सांस्कृतिक प्रगति ही नहीं होती, पूरे क्षेत्र के विकास को बल मिलता है। जो सड़कें यहां चौड़ी हो रही हैं, जो नए हाईवे स्वीकृत हो रहे हैं, उसमें यहां धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, नए रोजगार आएंगे और सेवा अभियानों को भी गति मिलेगी। हम सभी के श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी मानते भी थे कि जहां हाईवे पहुंच जाते हैं, सड़कें पहुंच जाती हैं, वहां विकास की नई धारा बहने लगती है। इसी सोच के साथ उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत कराई, देश के गांवों को सड़कों से जोड़ने का अभियान भी शुरू किया। आज उन्हीं आदर्शों पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज गति से काम हो रहा है। देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, डिजिटल व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है। देश में आज नए हाईवे, वाटरवेज, नई रेल लाइनें, मेट्रो लाइनें, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट, नए एयर रूट्स का एक बड़ा विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। इन सारी योजनाओं में और तेजी लाने के लिए, समन्वय लाने के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की भी शुरुआत की गई है। आज देश 100% कवरेज के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। हर गरीब को पक्का मकान, हर घर में शौचालय, हर परिवार को बिजली कनेक्शन, हर घर को नल से जल, और हमारी माताओं बहनों को गैस कनेक्शन, ये सपने आज सच हो रहे हैं। समाज के गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, मध्यम वर्ग को इनका सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। साथियों, हमारे अधिकांश वारकरी गुरुभाव तो किसान परिवारों से आते हैं। गांव गरीब के लिए देश के प्रयासों से आज सामान्य मानवी के जीवन में कैसे बदलाव आ रहे हैं, आप सब इसे देख रहे हैं। हमारे गांव गरीब से, जमीन से जुड़ा अन्नदाता ऐसा ही होता है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी सारथी होता है और समाज की संस्कृति, राष्ट्र की एकता को भी नेतृत्व देता है। भारत की संस्कृति को, भारत के आदर्शों को सदियों से
यहां का धरती पुत्र ही जीवित बनाए हुए हैं। एक सच्चा अन्नदाता समाज को जोड़ता है, समाज को जीता है और समाज के लिए जीता है। आपसे ही समाज की प्रगति है और आपकी ही प्रगति में समाज की प्रगति है। इसलिए अमृत काल में देश के संकल्पों में हमारे अन्नदाता हमारी उन्नति का बड़ा आधार है। इसी भाव को लेकर देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात हम सबको कही है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा है, दुरितांचे तिमिर जावो, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व सधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात। अर्थात विश्व में बुराइयों का अंधकार नष्ट हो, धर्म का कर्तव्य का सूर्य पूरे विश्व में उदय हो और हर जीव की इच्छाएं पूरी हो। हमें पूरा विश्वास है कि हम सबकी भक्ति, हम सबके प्रयास संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के इन भावों को जरूर सिद्ध करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी संतों को नमन करते हुए, विठोबा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।